अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। रमज़ान की बहुत बहुत मुबारक हो आपको। आज मैं यहाँ पर आपके लिए बहुत ही मज़े की रेसिपी लेकर आई हूँ। बच्चे बूढ़े बड़े सब बहुत शौक से इसको खाते हैं, क्रिस्पी फ्रेंच फ्राइज, जो बहुत मज़े की बनती है। आप इसको रमज़ान में बनाएं, आम रूटीन में बनाएं, जब मौसम अच्छा हो तब बनाएं, जब दिल करे तब बनाएं, बहुत मज़े की बनती है। तो चलिए देखते हैं कि हमें फ्रेंच फ्राइज बनाने के लिए क्या चाहिए। सबसे पहले मैंने आलू लिए हैं, 2 किलो मैंने आलू लिए थे। इनको फ्रेंच फ्राइज की शेप में इस तरह से काट लिया था और अच्छे से धोकर खुश कर लिया है। अब मैं इसके अंदर अपने स्पाइसेस ऐड करूँगी। मेरे स्पाइसेस कुछ यूँ हैं, मैंने 2 टीस्पून सॉल्ट लिया था, 1.5 टीस्पून मैंने रेड चिली ली है, 1 टेबलस्पून क्यूमन पाउडर है, 1/2 टीस्पून टर्मरिक है, 1 टीस्पून ब्लैक पेपर है और 1 टेबलस्पून क्रश रेड चिली है, 1 टेबलस्पून गर्म मसाला और 1 टेबलस्पून कोरिएंडर पाउडर है। अब मैं एक बड़ा बर्तन लूँगी, उसके अंदर सारे आलू ऐड कर दूँगी और उसके ऊपर मैं सारे मसाले ऐड कर दूँगी। मैंने सारे आलू ऐड कर दिए हैं और अब मैं इसके ऊपर अपने स्पाइसेस ऐड कर रही हूँ। मैंने इसके अंदर अपने सारे स्पाइसेस ऐड कर दिए हैं और अब मैं इसको अच्छे से मिक्स कर लूँगी। देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है, तमाम स्पाइसेस इसके अंदर मिक्स हो चुके हैं। अब मैं इसके अंदर कुछ और चीज़ें ऐड करूँगी, क्योंकि कुछ यूँ हैं। मैंने इसके अंदर लिया है 5 टेबलस्पून ग्राम फ्लोर और 10 टेबलस्पून फ्लोर और एक अंडा, यानी कि मैंने इसके अंदर लिया है 5 टेबलस्पून मैंने बेसन लिया है और 10 टेबलस्पून मैंने मैदा लिया था, वो मैं इसके अंदर ऐड कर रही हूँ। और अब एक अंडा तोड़कर वो भी मैं इसके अंदर डाल दूँगी और इसको बिल्कुल अच्छे से मिक्स कर लूँगी। देखिए मैंने इसको अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब मैं इसके अंदर कुछ कोरिएंडर लीव्स डाल दूँगी, वो मैंने कट कर लिया था और धो लिया था अच्छे से, वो भी मैं इसके अंदर डाल दूँगी। इससे बहुत खूबसूरत सी लुक आती है और इसको डालकर अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब हम इसको फ्राई करने की तैयारी करते हैं। दूसरी तरफ मैंने कढ़ाई ली है, उसके अंदर तेल डाला है, उसको अच्छे से गर्म करने के लिए रख दिया है। जैसे ही वो थोड़ा सा गर्म होगा हम इसको फ्राई करेंगे। हमें तेज़ आँच पर इसको फ्राई करना है ताकि ये थोड़ी क्रिस्पी क्रिस्पी सी बने, इतनी भी तेज़ ना हो कि जल ही जाए। ये हमारा बिल्कुल गर्म हो चुका है, ये देखें। अब हम इसके अंदर अपने फ्रेंच फ्राइज डाल देंगे और इसको फ्राई करेंगे। याद रहे इसे हमने मीडियम टू हाई पे ही फ्राई करना है, इससे हमारे फ्रेंच फ्राइज बहुत क्रिस्पी से बनते हैं। देखें बहुत अच्छे से फ्राई हो गए हैं, बहुत ही प्यारा सा कलर आ गया है। अब हम इसको निकाल लेंगे। ये देखिए हमारे फ्रेंच फ्राइज बिल्कुल तैयार हैं, कितना खूबसूरत सा कलर आ गया है। और अब हम इसको निकाल लेंगे। अब हम इसके ऊपर थोड़ा सा चाट मसाला ऐड कर देंगे, अगर आपको डालना है तो डालिएगा, अदरवाइज रहने दीजिएगा। बहुत मज़े के बनते हैं ये, बहुत मज़े के बनकर तैयार हुए हैं, आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ये देखिए एनी द शेफ में आज हमने बनाया रमज़ान मुबारक की स्पेशल रेसिपी फ्रेंच फ्राइज, क्रिस्पी फ्रेंच फ्राइज। इसको हम इमली की चटनी के साथ भी सर्व कर सकते हैं और ये हमारे पास एक तरफ इमली की चटनी है, इसकी रेसिपी भी मैं जल डालूंगी, और दूसरी तरफ केचप है, आप इसको केचप के साथ खाएं, इमली की चटनी के साथ खाएं, बहुत मज़े के बने हैं ये, बच्चे बड़े सब बहुत शौक से खाते हैं। आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मुझे लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह दोबारा मिलेंगे एक बहुत अच्छी सी वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।